हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नागियाज लर्निंग अड्डा पर। आरएएस मेंस इंग्लिश ऑफिसर बैच, जी हाँ, ये बैच हमने शुरू किया है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए एकदम निशुल्क। आप जानते ही हैं, अगर आप आरएएस मेन की तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश जो है आरएएस में आएगी 80 मार्क्स की, और इस 80 मार्क्स में 3 पार्ट हैं, ए, बी और सी। सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो पिछले वीडियो में हमने सिलेबस डिस्कशन किया है कि कौन कौन से टॉपिक आरएएस मेंस इंग्लिश में आने वाले हैं, और साथ ही हमने एक जो इसका आरएएस सिलेबस का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है करेक्शन ऑफ द सेंटेंस, उसका फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने बना लिया है। उसकी एक क्लास हो चुकी है। आज की हमारी ये क्लास नंबर 2 होगी करेक्शन ऑफ द सेंटेंस की। करेक्शन ऑफ द सेंटेंस में हम नाउन से रिलेटेड सेंटेंस में कौन कौन सी एरर हो सकती हैं उनकी बात कर रहे थे। पार्ट 1 हो चुका, आज पार्ट 2 की बात है। तो आइए आज बात करते हैं पार्ट 2 की, जहां पर हम सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करना सीखेंगे, और वो भी किसकी, नाउन की। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्लास में आज हम सीखने वाले हैं नाउन से रिलेटेड सेंटेंस में कुछ एरर्स, यानी कि उस सेंटेंस में उसको करेक्ट करने के लिए करेक्शन करनी पड़ेंगी। तो करेक्शन ऑफ द सेंटेंस जो कि हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है, करेक्शन ऑफ द सेंटेंस, तो इसमें इस टॉपिक में आज की आगे की बात को बढ़ाते हैं। दोस्तों, एक होता है नॉमिनेटिव केस, एक होता है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस जो है इसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, और मैं यहाँ नॉमिनेटिव केस लिख रहा हूँ। कौन कौन सा होता है, जैसे आई, जैसे वी, जैसे यू, जैसे दे, जैसे ही, जैसे शी, ये सभी नॉमिनेटिव केस होते हैं। और एक होते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस होते हैं आई का, मी, वी का, अस, यू का, यू, दे का, देम, ही का, हिम और शी का, हर, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। इसी तरह एक होता है पजेसिव, पजेसिव केस। अब ये पजेसिव केस जो होते हैं ना, ये दो होते हैं, दो टाइप के। कौन कौन से, एक तो होगा अगर आई की बात करें तो माई, और एक होगा माइन। इसी तरह इसका होगा एक आर और एक ओ यू आर एस आर्स। इसका होगा एक यू योर और एक होगा योर्स। इसी तरह देम का एक तो होगा देयर और एक होगा देयर्स। इसी तरह ही का होगा एक हिज और दूसरा भी हिज। शी का क्या होगा, एक हर और दूसरा हर्स। तो ये सारे नॉमिनेटिव केस हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव केस हैं, और ये सारे पजेसिव केस हैं। पजेसिव केस दो टाइप के होते हैं, ये और ये। अब जो ये वाले पजेसिव केस होते हैं और ये वाले, फर्क क्या है इसमें, इसको तो हम एडजेक्टिव मानते हैं, इसको प्रोनाउन मानते हैं। ओके, अब अपने को याद क्या रखना है, अब अपने को रूल ये याद रखना है कि अगर आप नॉमिनेटिव की तुलना कर रहे हो, इस नॉमिनेटिव की तुलना कर रहे हो, तो आप इनमें से ही किसी के साथ तुलना कर सकते हो। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको आई की तुलना करनी है ना, तो आप वी से भी कर सकते हो, यू से भी कर सकते हो, दे से भी कर सकते हो, ही से भी कर सकते हो, शी से भी कर सकते हो, आई की तुलना। लेकिन आई की तुलना मी से नहीं हो सकती, माई से नहीं हो सकती, माइन से नहीं हो सकती, या इनमें से भी किसी के साथ नहीं हो सकती। जो जो चीज़ें आपको ऑब्जेक्ट में नज़र आ रहे हैं ना, इनसे आई की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि आई नॉमिनेटिव है, और ना ही इनसे तुलना हो सकती है क्योंकि ये सारे पजेसिव हैं, और ना ही इनके साथ तुलना हो सकती है, ये भी पजेसिव हैं। तो इस बात का अर्थ क्या निकला, इस बात का अर्थ ये निकला कि अगर आपको नॉमिनेटिव की तुलना करनी है ना, तो किसी नॉमिनेटिव से ही होगी। ये जितने इस पहले बॉक्स में आपको वर्ड दिख रहे हैं ना, इन्हीं से होगी। अगर आपको ऑब्जेक्टिव की तुलना करनी है तो आपको ऑब्जेक्टिव से ही करनी होगी, अगर आपको पजेसिव की तुलना करनी है तो पजेसिव से ही करनी पड़ेगी। तो इसको अपन एक बार समझ लेते हैं। एक सेंटेंस तो यही देख लो, जैसे कि अपने पास इस तरह का एक सेंटेंस है,
अगर मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ कि आई एम बेटर, आई एम बेटर देन हर, इस तरह से लिखता हूँ और यहाँ पर है नो एरर, इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपको मिलेंगे करेक्शन ऑफ द सेंटेंस में। एक सेंटेंस होगा उसके कुछ टुकड़े कर दिए जाएंगे, आपको सही टुकड़े को ढूंढना है, आप उस टुकड़े को ढूंढोगे जिसमें गलती है। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस के किसी भी पार्ट में कोई गलती नहीं है तब आपका उत्तर बनेगा लास्ट वाला, नो एरर। अब देखो हमने क्या कहा कि अपने को तुलना अगर नॉमिनेटिव से करनी है तो नॉमिनेटिव की तुलना करनी है तो नॉमिनेटिव से होगी, ऑब्जेक्टिव की तुलना करनी है तो ऑब्जेक्टिव से होगी, और पजेसिव की तुलना करनी है तो पजेसिव से होगी। अब अपन कह रहे हैं आई एम बेटर देन हर, तो आई क्या है, आई आपने ऊपर देखा आई एरा, आई नॉमिनेटिव है, तो इस नॉमिनेटिव की तुलना किससे होगी, इनमें से किसी के साथ भी हो सकती है, इनमें से किसी के साथ भी, क्योंकि ये भी नॉमिनेटिव हैं, लेकिन इनसे नहीं हो सकती, इनसे नहीं हो सकती और इनसे नहीं हो सकती। अब देखो मैंने किसके साथ की है तुलना इसकी, मैंने हर के साथ की है, तो हर तो है ही नहीं यहाँ पर, वी है, यू है, दे है, ही है, शी है, हर तो इधर पड़ा या हर तो ये पड़ा, ये तो ऑब्जेक्टिव या पजेसिव। तो मैं नॉमिनेटिव की तुलना, अब अगर मेरे पास आई नॉमिनेटिव है तो मैं इसकी तुलना किसी नॉमिनेटिव से ही तो करूँगा ना, हर से नहीं होगी, इसका मतलब यहाँ पर गलती है। सही क्या है कि शी आना चाहिए था, तो यहाँ पर शी होगा। अब इस ये गलती कौन से पार्ट में, सी में, तो जिस भाग में गलती होती है वही हमारा आंसर होता है। अगर इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं होती तो हमारा उत्तर क्या होता, डी होता। तो नॉमिनेटिव की तुलना नॉमिनेटिव से यहाँ पर नहीं हो रही है, नॉमिनेटिव की तुलना ऑब्जेक्टिव से हो रही है, तो ये सेंटेंस गलत है। इसी तरह दूसरा सेंटेंस देखो दोस्तों, इसी तरह अपन दूसरा सेंटेंस देखते हैं। अब मैं ऐसे कहता हूँ कि देयर इज नो फ्रेंडशिप, देयर इज नो फ्रेंडशिप बिटवीन शी एंड आई, ये सेंटेंस है और इसको अपन कर देते हैं नो एरर वाला, है ना। ये है सेंटेंस का ए भाग, ये सेंटेंस का बी भाग, ये सेंटेंस का सी और ये सेंटेंस का डी। अब आपको उस भाग को ढूंढना है जिसमें गलती है, नहीं है कोई गलती तो उत्तर होगा लास्ट वाला। अब हम देखें गलती कहाँ है, ये रहा शी, शी क्या है नॉमिनेटिव और आई क्या है नॉमिनेटिव, जबकि इस सेंटेंस को हम देखें देयर इज नो फ्रेंडशिप, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है और बिटवीन यहाँ पर जो है प्रीपोजिशन है, इसको भी भूल जाओ आप। बिटवीन क्या है यहाँ पर, ये हमारा दूसरा रूल है, ठीक है, वो पहला रूल था, दूसरा रूल है बिटवीन, बिटवीन अमंग, ये जो होते हैं ना ये प्रीपोजिशन होते हैं, क्या होते हैं प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो शी तो ऑब्जेक्टिव है नहीं, शी तो क्या है नॉमिनेटिव, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था हर, और ये भी नॉमिनेटिव है लेकिन ऑब्जेक्टिव आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था मी, तो ये सेंटेंस ऐसे होगा देयर इज़ नो फ्रेंडशिप बिटवीन हर एंड मी, ऐसे नहीं हो सकता शी एंड आई, क्योंकि बिटवीन यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ये हमारा दूसरा रूल है और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव आएगा, तो यहाँ पर मैं रूल लिख ही देता हूँ कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, इसलिए यहाँ पर ये। इसी तरह तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल है जैसे कि माई हाउस इज मोर स्पेसियस का मतलब ज़्यादा खुला है देन यू, मान लो ऐसे लिखते हैं। अब ये सेंटेंस का ए भाग है, ये सेंटेंस का बी भाग, ये सेंटेंस का सी भाग और लास्ट वाला है नो एरर। अब आपको इस सेंटेंस में गलती ढूंढनी है, तो हमने देखा माई तो पजेसिव एडजेक्टिव है, इसका कंपैरिजन इसी से होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन किससे कर रहे हैं हम, यू से, योर यू से नहीं होगा,
या तो आप लिख सकते हो योर हाउस या फिर अकेला लिख सकते हो योर्स। तो माई हाउस इज मोर स्पेसियस देन योर हाउस, या तो ऐसे लिखो या योर्स लिखो। यू नहीं लिख सकते क्योंकि यू ऑब्जेक्टिव है जबकि माई पजेसिव है। पजेसिव की तुलना पजेसिव से होगी, ऑब्जेक्टिव की तुलना ऑब्जेक्टिव से होगी, और इससे पहले हमने पढ़ा नोमिनेटिव की तुलना नोमिनेटिव से होगी। तो एक स्टेप तो ये याद रखना है। दूसरा जो कि और भी बहुत ज़्यादा आसान एक स्टेप है, एक कॉन्सेप्ट मान लो, कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है इसको देखो आप। देखो दोस्तों, एक होता है एपोस्ट्रोफी एस और एक होता है ऑफ। इन दोनों का काम क्या है? इन दोनों का काम है संबंध बताना। एपोस्ट्रोफी एस, इसको ये जो ऊपर से कोमा लगता है ना, इसको एपोस्ट्रोफी बोलते हैं, और ये एस है ही, ये ऑफ है। एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का अर्थ क्या है? संबंध बताना। इनका यूज होता है संबंध बताना। लेकिन जो एपोस्ट्रोफी एस है ये सजीव का संबंध बताता है, और जो ऑफ है ये निर्जीव का संबंध बताता है। जैसे मैं कह दूं कि रोहन का घर, तब मैं क्या बोलूँगा? रोहन्स हाउस, ऐसे बोलूँगा। तो रोहन सजीव है, कोई व्यक्ति है, इसलिए मैंने इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया। लेकिन मैं निर्जीव चीज़ों के लिए ऑफ लगाऊंगा, जैसे कि मैं ऐसे लिखता हूँ, मोबाइल्स, मोबाइल फोन्स चार्जर। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, मोबाइल फोन्स चार्जर, तो मोबाइल फोन तो निर्जीव है, निर्जीव के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं आ सकता। किसके साथ आ देगा? सजीव के साथ। तो इसलिए ये गलत सेंटेंस है। इसको मैं सही करूं तो कैसे करूं? मैं ऐसे करूंगा, द चार्जर ऑफ द मोबाइल फोन, द चार्जर ऑफ द मोबाइल फोन। करेक्ट सेंटेंस ये होगा, क्योंकि मोबाइल फोन निर्जीव है, निर्जीव के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं आ सकता, ऑफ आ सकता है, तो ऑफ आ रहा है। हाँ, बात अगर उत्पत्ति की होती है, बात अगर उत्पत्ति की होती है ना, तब ऑफ का प्रयोग सजीव के लिए भी कर सकते हैं। जैसे हम अपने नाम के साथ लिखते हैं सन ऑफ, एस एस का अर्थ होता है सन, इस ओ का अर्थ होता है ये ऑफ। जैसे लड़कियां लिखती हैं डी ओ, डॉटर ऑफ, जैसे वाइफ ऑफ, जैसे हस्बैंड ऑफ, ऐसे लिखते हैं। तो इस ऑफ का अर्थ जो है ना, ये संबंध ही बता रहा है। तो यहाँ पर ये अपवाद मान लो चाहे एक्सेप्शन मान लो, यहाँ पर सजीवों के साथ भी ओ ऑफ का यूज़ किया जा सकता है, और वैसे निर्जीवों के साथ। अब यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है? यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, जैसे कि टेबल्स लेग। ये क्वेश्चन है कि टेबल्स लेग्स हैव बीन ब्रोकन बाय मी और नो एरर, इस तरह का कोई क्वेश्चन है। तो ये सेंटेंस का ए पार्ट हो गया, ये सेंटेंस का बी पार्ट, ये सेंटेंस का सी पार्ट, और ये डी, टेबल्स लेग्स हैव बीन ब्रोकन बाय मी। तो अब देखो, यहाँ पर हमने टेबल के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, तो सजीवों के साथ आता है ये, तो टेबल के साथ हो नहीं सकता, इसलिए इस सेंटेंस के पहले पार्ट में गलती है। आंसर क्या होगा? ए होगा, कि आप निर्जीव चीज़ों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते। ये याद रखना, सजीवों के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस लगाते हो, निर्जीवों के साथ आपको ऑफ का प्रयोग करना पड़ेगा। और एक रूल इसी से रिलेटेड एक रूल और है जो आपको याद रखना है। दूसरा रूल क्या है कि अगर कोई नाउन सिंगुलर होती है, नाउन कैसी होती है? सिंगुलर। और सिंगुलर किसको बोलते हैं अपन? अगर आप एकदम ठेठ हिंदी मीडियम के हो तो सिंगुलर बोलते हैं एक वचन को। सिंगुलर कोई नाउन होगी और वो सजीव होगी तो आप उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाओ। जैसे कि एग्जाम्पल हो सकता है इसका, वही पहले वाला एग्जाम्पल कि रोहन्स हाउस, ठीक है, या फिर अपन कहते हैं बॉयज बॉयज पेन, किसी लड़के का पेन। तो बॉय कोई सजीव है, रोहन कोई व्यक्ति है, और सिंगुलर हैं, एक वचन है, इसलिए हम इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। बट ये तो जरूरी नहीं है कि नाउन हमेशा सिंगुलर हो, कभी कभी नाउन प्लूरल भी तो हो सकती है, प्लूरल हो सकती है, इसका मतलब नाउन बहुवचन हो सकती है। और जब नाउन बहुवचन होगी तब क्या करेंगे? बहुवचन दो तरीके से होती है,
एक तो ऐसी बहुवचन नाउन होती है जिसके लास्ट में एस होता है, एस होता है, और एक ऐसी बहुवचन नाउन होती है जिसके लास्ट में एस नहीं होता। होता किसके है? जैसे बॉयज़, जैसे अपन लिखते हैं गर्ल्स, जैसे अपन लिखते हैं टीचर्स, इन सब के लास्ट में देखो एस है, बहुवचन है और एस है। लेकिन जरूरी नहीं है कि एस लगा के ही बहुवचन बनाया जाता है, बिना एस के भी बहुवचन होता है। जैसे कि चिल्ड्रन, चिल्ड्रन जो है ये बहुवचन है, चिल्ड्रंस नहीं होता, कभी भी ध्यान रखना। और MEN मेन ये भी बहुवचन है, और WOMEN वीमेन ये भी बहुवचन है। तो बहुवचन दो तरीके से हो सकते हैं, लास्ट में एस है और लास्ट में एस नहीं है। अब देखो सीखना क्या है हमारे को, हमने ये सीखा था कि नाउन अगर सिंगुलर होती है, एक वचन होती है, तो क्या लगाते हैं? एपोस्ट्रोफी एस। बहुवचन होगी तो क्या लगाएंगे? बहुवचन होगी तो अगर लास्ट में एस है, लास्ट में एस है, तो आप खाली ये लगाओ एपोस्ट्रोफी, एस नहीं लगाना। और एस नहीं है तो आपको एपोस्ट्रोफी और एस दोनों लगाने हैं। अब मान लो कि मैं ऐसे कहता हूँ कि देयर आर अ लॉट ऑफ बॉयज हॉस्टल्स, बॉयज हॉस्टल्स इन दिल्ली, अगर ये लिखते हैं अपन, और इसमें कोई NEN से समझिए, नो एरर। ये सेंटेंस का पहला पार्ट है, ये सेंटेंस का दूसरा पार्ट है, ये सी और ये डी। अब देखो बॉयज़ में एस तो पहले से ही था, तो आपको दोबारा नहीं लिखना, अगर आप दोबारा लिखोगे तो ये गलती है, बस ये गलती आपको ढूंढनी है। और ये गलती आपको मिल गई तो आप सेंटेंस में करेक्शन ढूंढ पाए, और करेक्शन ऑफ द सेंटेंस हमारा टॉपिक है, ठीक है। और देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चन, जैसे अपन देखो टीचर्स डे लिखना है, अपने को टीचर्स डे लिखना है, तो अपन कैसे लिखते हैं? ज़्यादातर लोग ऐसे लिखते हैं टीचर्स, कई तो ऐसे लिखते हैं टीचर्स डे। अब ये गलत तरीका है, टीचर सिंगुलर नहीं होना चाहिए। और कई ऐसे लिखते हैं टीचर्स, टीचर्स तो लिख दिया, फिर एपोस्ट्रोफी एस भी लगा दिया, टीचर्स डे, ऐसे भी लिखते हैं कई लोग। अब जब आपके पास एस लगा ही हुआ है तो आपको दोबारा नहीं लगाना, तो ये सीधा टीचर्स डे ये करेक्ट होगा, अगर आप एस लगाओगे तो गलत है। जैसे अपने को लिखना है मेंस पार्लर, तो यहाँ ठीक है मेंस पार्लर हो सकता है, क्योंकि ये मेन प्लूरल तो है, बीच में ई आ गया ना, तो प्लूरल है। MEN मेन एक वचन होता है, और MEN मेन बहुवचन होता है। अब इसके लास्ट में एस नहीं है जब, तो अपने एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। अगर कोई नाउन है जिस जैसे ये टीचर्स, इसके लास्ट में एस है तो अपने को नहीं लगाना, और नहीं है तो लगाना है। गर्ल्स हॉस्टल बोलते हैं अपन, तो गर्ल्स ऐसे एस तो लगा ही हुआ है, दोबारा लिखोगे ना गर्ल्स हॉस्टल तो ये गलत है, दोबारा एस नहीं लगेगा, एस तो ऑलरेडी पहले से ही है। जैसे अपने पास अपने को लिखना है चिल्ड्रंस पार्क, चिल्ड्रंस पार्क, तो ये ठीक है, चिल्ड्रन बहुवचन है, एस नहीं आता तो हमें लगाना है। कुल मिलाकर एस है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी आएगा, और नहीं है तो एपोस्ट्रोफी एस दोनों आएगा, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो टीचर्स डे कैसे होगा? टीचर्स डे ऐसे होगा, टीचर्स और फिर एपोस्ट्रोफी डे, टीचर्स डे ये होगा करेक्ट। इस तरह से ये हमारा दूसरा रूल है। और देख लो करेक्शन ऑफ द सेंटेंस का नेक्स्ट रूल क्या है। नेक्स्ट रूल ये है कि जैसे मान लो एवरीवन है, एवरीवन, एवरीवन या समवन या नो वन या नो बडी, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, इन सब के साथ एपोस्ट्रोफी एस लग सकता है। और अगर इनके साथ एल्स हुआ, एल्स, तो फिर एपोस्ट्रोफी एस, तब एपोस्ट्रोफी एस एल्स के साथ लगेगा, एल्स के साथ लगेगा। अगर ये अकेले हैं जैसे एवरीवन, समवन, नोवन, तब तो इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। अगर इनके साथ एल्स आ गया तब एल्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस एल्स के साथ लगेगा। लेकिन एवरीवन की जगह अगर एवरीथिंग है, एवरीथिंग है,
नथिंग है, समथिंग है, एनीथिंग है, ये है, यानी कि थिंग थिंग लिखा हुआ है, तब आपको एपोस्ट्रोफी एस नहीं ऑफ का यूज़ करना है, फिर ऑफ का यूज़ होगा। अब देखो एग्जांपल, एग्जांपल ये है, जैसे ये क्वेश्चन है कि एवरीवंस एवरीवंस ड्यूटी इज टू हेल्प द पुअर, सभी की ये ड्यूटी है कि गरीब की सहायता करे, तो एवरीवन के साथ एपोस्ट्रोफी एस आ सकता है, ये करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं अगर ऐसे लिखता एवरी थिंग्स लाइफ इज शॉर्ट, अगर मैं ऐसे लिखता तो ये गलत सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि मैं एवरी थिंग के साथ तो एपोस्ट्रोफी एस लगा नहीं सकता, क्या लगाना चाहिए था? ऑफ। तो ये तो गलत सेंटेंस है, तो सही सेंटेंस क्या होगा? सही सेंटेंस ये होगा द लाइफ ऑफ एवरीथिंग इज शॉर्ट, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। अब हम किस से बना रहे हैं इसको? ऑफ से। और एक चीज़ और हमने बताई कि एल्स अगर होता है इनके साथ तो एपोस्ट्रोफी एस किसके साथ आता? एल्स के साथ। जैसे अगर अपने बोलते हैं नोबडीज़ एडवाइस, ये तो करेक्ट सेंटेंस है, नोबडीज़ एडवाइस, ये तो करेक्ट है क्योंकि नोबडी के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हो आप। लेकिन ये अगर ऐसे लिखा होता नोबडीज़ और एल्स एडवाइस, तो फिर क्या होता? फिर एपोस्ट्रोफी एस इसके साथ नहीं, एल्स के साथ होता। ये अपने को दूसरा कंसेप्ट याद रखना है। ओके, तो ये केस ऑफ नाउन के कुछ कंसेप्ट हैं, इनको आपको याद रखना है। अब एक और रूल देख लेते हैं इसका। कंट्री का नाम हो, मान लो किसी कंट्री का नाम, ये चलो जेंडर में पढ़ेंगे, जेंडर ऑफ नाउन में। अब अपना एक कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो यहाँ पर कोई नाउन है और यहाँ पर कोई एंड है और यहाँ पर कोई नाउन है और यहाँ पर फिर कोई तीसरी नाउन है, ये पहली नाउन, ये दूसरी और ये तीसरी। अब ये तीसरी नाउन का संबंध अगर इस वाली नाउन से और इस वाली नाउन से सेम है, ये तीसरी नाउन का संबंध इन दोनों से सेम है, तो यहाँ लिख ही लेते हैं, अगर यदि तीसरी नाउन का संबंध पहली व दूसरी नाउन से सेम है तो फिर क्या होगा? तो आपको एपोस्ट्रोफी एस दूसरी नाउन के साथ लगानी है। अब एग्जांपल से समझते हैं कैसे। मान लो कि मैं ऐसे कहता हूँ आई डोंट नो जॉन और एपोस्ट्रोफी एस जॉन्स एंड मैरीज हाउस, मैं जॉन और मेरी का घर नहीं जानता, बट आई नो द कपल वेरी वेल, लेकिन मैं इस कपल को अच्छी तरह जानता हूँ, ये नो एरर। मान लो कि ये सेंटेंस है और ये इसका ए पार्ट है, ये इसका बी पार्ट है और यहाँ तक सी पार्ट है और ये डी पार्ट है। अगर आपको लगता है कि इस सेंटेंस के जिस पार्ट में गलती है वही आंसर है, कोई गलती नहीं है, तो आंसर लास्ट वाला होगा, नो एरर। अब देखो एक नाउन तो है जॉन, ये वाली मान लो एक नाउन जॉन, और बीच में आ गया एंड, तो ये रहा एंड, दूसरी नाउन मेरी, दूसरी नाउन है, तीसरी नाउन हाउस। कोई भी संज्ञा मतलब कोई व्यक्ति वस्तु या स्थान ही तो होता है। अब मेरे को ये बताओ ये घर मेरी का है या जॉन का, तो आंसर मिलेगा अगर ये कपल है तो मतलब जोड़ा है तो ये घर तो दोनों का ही हुआ ना। इस तीसरी नाउन का संबंध मेरी से भी है और जॉन से भी सेम ही है। अगर तीसरी नाउन का संबंध पहली और दूसरी नाउन से सेम है तो एपोस्ट्रोफी एस किसके साथ आना चाहिए? दूसरी नाउन के साथ। इसके साथ आना चाहिए ना, इसके साथ तो नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब इस सेंटेंस के बी पार्ट में गलती है। ठीक है, ओके। अगला रूल क्या होगा? अगला रूल होगा ये कि मान लो यहाँ पर नाउन है और बीच में कोई कंजक्शन नहीं है, यहाँ पर दूसरा नाउन है, तो एपोस्ट्रोफी एस पहली नाउन के साथ आएगा।
कैसे आएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अपन कहते हैं द करियर ऑफ जोन्स, द करियर ऑफ जोन्स ब्रदर्स ब्रदर्स डिपेंड्स ऑन RAS एग्ज़ाम। जॉन के भाई का करियर RAS एग्ज़ाम पर डिपेंड करता है। अब देखो बच्चों, जॉन और ब्रदर के बीच में कोई कंजक्शन नहीं है ना, तो फिर एपोस्ट्रोफी एस किसके साथ आना चाहिए, पहली नाउन के साथ, ब्रदर के साथ नहीं आएगा। ये चीज़ आपको सीखनी है, द करियर ऑफ जॉन्स ब्रदर डिपेंड्स ऑन RAS एग्ज़ाम। इस तरह से ये करेक्शन ऑफ सेंटेंस का हमारा सेकेंड पार्ट था। इसको आप एक बार वापस देख लें, इसका PDF आपको इस पे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये RAS मेन इंग्लिश के लिए कंप्लीट सिलेबस में आपको आप लोगों को कराऊंगा। ABC तीन पार्ट में हमारा सिलेबस डिवाइड है और 80 नंबर का पूरा मामला है। तो डेली आप इस क्लास को अटेंड करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे मटेरियल तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और कल फिर अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। नमस्कार।